मेरा नाम विकास वर्मा, बीपीओ में काम करता हूँ। अच्छी खासी सैलरी है, कमा लेता हूँ महीने के 30,000 रुपए। उम्र 25 साल। बाकी सब भाई मतलब भाई शराब सिगरेट कभी कभी पी लेता और भाई बाइक तेज चलाना पसंद है मुझे, बहुत फास्ट। लड़के भी ताड़ लेता कभी कभी, मन किया तो लड़कियां छेड़ भी लेता। वैसे एक गर्लफ्रेंड थी मेरी 1 साल पहले, प्यार हो गया था उससे, सही थी। पर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि कॉलेज जाने के बाद बदल गई। अचानक से कॉलेज जाने के बाद वो छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी, छोटे जीन्स छोटे स्कर्ट, मतलब शरीफ लड़की ऐसे नहीं करती है ना। मैंने उसको पूछा तुम्हारा संस्कार किधर गए, छोटे छोटे कपड़े मतलब दूसरे लड़के देखेंगे तो छेड़ेंगे ना। उल्टा जवाब देती है, बोलती है कि मैं ऐसे ही, मतलब मुझे पसंद है, इट्स माय चॉइस, मैंने भी रखी दिए एक, मुझसे जबान लड़ाएगी तो ऑब्वियसली लड़की है, मैं थोड़े ना रिलेशनशिप में सब ले लूंगा। उसके बाद आते उसका कभी फोन नहीं आया। जो भी हो आजकल बड़ा सुन रहा हूं मैं कि लड़कियां छोड़ना गलत बात है, पाप है। मैं ऐसा नहीं मानता, पता नहीं सबको क्या हो गया। लड़कियां छोटे कपड़े पहन के आएंगी तो लड़कों का मन करेगा ना, लड़के हैं छेड़ेंगे। एक मजेदार बात बताऊं, जब मैं पैदा हुआ था तो घर में बहुत धूमधाम से पार्टी हुई थी, मतलब महंगी महंगी शराब खाना पीना बहुत खर्चा किया था मम्मी डैडी ने। और जब मेरी बहन पैदा हुई थी तो घर पे एक ऐसे केक काट दिया था उन्होंने, बगल वाली बेकरी से ला के, तो मेरी छोटी बहन को पता चला तो फिर रोने लगी कि मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मतलब मैं पैदा हुई थी तो मेरे लिए पार्टी क्यों नहीं रखी। तो मम्मी ने समझाया उसे, बताया कि लड़की है, लड़कों को ये सब नहीं होता। उसके बाद से वो समझ गई, छोटे में मैं मम्मी से बहुत डरता था। और एक बार ना रात को वो वाली फिल्म देख के आ रहा था घर पे देर रात को, मम्मी जाग रही थी, उठ के मेरे क्लास लेने लगी कि इतने रात को कोई घर आता है, घर पर चिल्ला चिल्ली हुई। तो उसके बाद दादी उठ गई, दादी ने मम्मी को डांट लगाई, ये सब जो हो रहा था ना तब मेरी छोटी बहन चुपके से कोने में खड़े होके सब देख रही थी। क्या कि उसी दिन उसको ना मार पड़ी थी मम्मी से, उसने मम्मी को कहा था कि उसको एयर हॉस्टेस बनना है। कभी कभी लगता था मुझे कि उसके साथ गलत हो रहा है। क्या है कि मतलब लड़की है तो क्या हुआ, उसके भी अपने एम्बिशन है ना, अपने फीलिंग्स हैं, अपने गोल्स हैं। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मैं एक लड़का हूं और वो एक लड़की। बचपन में मुझे खाना बनाने का शौक था, मैं ऑमलेट बनाता था, मेरे शौक से लेकिन घर वाले बोलते थे कि ये क्या लड़के वाले शौक पाल रखे तुम्हें, मतलब ये सब लड़कियों का काम है, तू मत कर। तब मुझे समझ में आया कि हम लड़कों की जगह कहाँ है और लड़कियों की कहाँ। हमारा काम है खाना खाना और उनका काम है खाना बनाना।
아, 빨리. मैं बचपन से याद आया कि बगल घर में ना मेरे एक आंटी रहती थी, पड़ोसी में माल थी, माल टूटा, पर हर रोज रात को उसकी रोनी की आवाज आती थी। क्या है कि उसका पति शराब पी के आता था, उसको मारता पीटता था। मतलब हर रोज रात को जब हम लोग खाना खाने जाते थे ना, उसी वक्त आंटी की रोनी की आवाज आती थी। एक दिन पापा उठ गए कि जाके देखो क्या हो रहा है, और उतने में मम्मी आई और मम्मी ने पापा को समझाया कि दूसरों के घर के मामलों में क्यों दखलंदाजी करनी। मम्मी ने पापा को रोक लिया, हाथ पकड़ के। फिर क्या, उसके बाद जब भी उस आंटी की रोने की आवाज आती थी तो मम्मी टीवी का जो वॉल्यूम है वो तेज कर देती थी। कभी कभी ना मेरा भी वैसे मन करता था, मतलब खून खोलता था कि मैं जाऊं पकड़ू उस आदमी को और मारूं, बहुत पीटू उसको। पर कभी कभी ऐसा लगता कि काश काश मम्मी टीवी का वॉल्यूम तेज नहीं करती, चलो पापा ही चले जाते देखने के लिए। काश, पर अब क्या फर्क पड़ता है, क्या बातें कर रहा हूं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि लड़कियों को ताड़ने में ना जो अलग मजा है ना, वाह। और स्पेशली जब मतलब तू सिंगल है ना लाइफ में, गर्लफ्रेंड तो है नहीं। वो कहते हैं ना कि एकांत है वासा, ना झंझट ना झांसा, बस लड़कियों को ताड़ते रहो, मजे लेते रहो। अपनी गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो फिक्र हो कि दूसरे के लड़के मतलब आके मेरी अपनी गर्लफ्रेंड को ताड़ेंगे। बस ऐश है।